एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग केसीएस ना क्लास 12 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कहा था इफ ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा सो डैट ए स्क्वायर बराबर कोस टू अल्फा, यानी कि इतना बराबर, यानी ए इक्वल टू दिया है और इतना प्रूव करने के लिए कहता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए, ए इक्वल टू हमें ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है। ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। ये देखिए, ये क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसका फर्स्ट रो पकड़ेंगे और इसके बारी बारी से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा, ये माइनस ये साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखिए, इसका हम सेकेंड रो पकड़ते हैं और इसके बारी बारी से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ये देखिए माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, और ये देखिए ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है कोस टू अल्फा का, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए, यहाँ पर यही फॉर्मूला हो जाएगा कोस टू अल्फा। देखिए, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, देखिए दोनों का एंगल सेम है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं टू साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। यहाँ पर देखिए, माइनस जब कॉमन लेंगे, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये देखिए ये भी हो जाएगा माइनस टू साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, और ये हो जाएगा कोस टू अल्फा, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए, ये कोस टू अल्फा, टू साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है साइन टू अल्फा का होता है, तो टू साइन टू अल्फा हो जाएगा, ठीक है, और ये देखिए माइनस साइन टू अल्फा हो जाएगा, और ये कॉस टू अल्फा। देखिए, यही ना हमें प्रूव करने के लिए यहाँ पर मिला था, यही ना हमें प्रूव करने के लिए मिला था, और यही हम प्रूव कर दिए। यहाँ पर लिख दीजिएगा हैंस एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। का टेन का दूसरा है इफ ए इक्वल टू इतना और बी इक्वल टू इतना एंड सी इक्वल टू इतना, सो डैट का था ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू आई टू, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहता है प्रूव करने के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। ए क्या है, वन जीरो वन वन जीरो, ठीक है, इंटू जीरो वन वन जीरो, ठीक है, इतना है। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन, ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो, ये वन प्लस जीरो, तो ये हमारा देखिए ये क्या आ गया, वन जीरो जीरो वन, ठीक है। अब देखिए, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी इंटू बी, तो ये देखिए जीरो माइनस आयोटा आयोटा जीरो, ठीक है, ये देखिए जीरो माइनस आयोटा आयोटा जीरो, इतना आ गया। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए जीरो, ये इसका फर्स्ट रो पकड़ेंगे और इसके बारी बारी से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई जीरो, और ये देखिए आयो माइनस आयोटा इंटू आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा इंटू आयोटा, तो ये कितना माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए माइनस आयोटा स्क्वायर का मान माइनस वन होता है, तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ये देखिए ये वन आया है, तो जीरो प्लस ये क्या वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल काम हो गया। अब देखिए इसको सेकेंड को, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो,
ये देखिए ये 0 प्लस 0, और ये देखिए सेम काम इसमें भी होगा, तो ये 1 प्लस 0, ये देखिए क्या आया है 1 0 0 1, ये आया है। अब देखिए हम सी स्क्वायर निकालते हैं, तो देखिए सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सी इंटू सी, तो देखिए सी है आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, और देखिए ये आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, ठीक है। अब देखिए ये, अब देखिए यहाँ पे सी एस माइनस सी स्क्वायर है, तो देखिए माइनस से हम बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिलहाल हम ऐसे ही अभी काम करते हैं, देखिए ये आयोटा को आयोटा से गुना करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस वन होता है, तो ये देखिए इसको गुना करेंगे तो ये माइनस वन और ये प्लस जीरो हो जाएगा, और ये 0 प्लस 0, और ये भी 0 प्लस 0 हो जाएगा। ये देखिए 0 प्लस आयोटा स्क्वायर का, ये देखिए माइनस आयोटा यानी कि प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान होता है माइनस वन, तो ये माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए माइनस वन 0 0 माइनस 1, देखिए इसको जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये भी आइडेंटिटी आ गया, ये भी आइडेंटिटी आ गया, देखिए ये I2 का मतलब हुआ यही आइडेंटिटी हुआ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है I2 और ये I2। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग, यही हमें प्रूव करने के लिए मिला था, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सेकेंड नंबर बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। देखिए थर्ड नंबर भी वैसी है, सेम टू सेम है, ए इक्वल टू है, बी इक्वल टू है, सी इक्वल टू है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई प्रूव करना है, और सी स्क्वायर इक्वल टू सी, और बी पावर 4 इक्वल टू 0 यानी कि नल मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो ये आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।